अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको सरगोधा कॉलेज एयर स्कूल सिस्टम की ऑनलाइन क्लास में दोबारा से वेलकम करता हूँ। ईद के बाद आपकी मैथ्स की ये पहली क्लास है। तो हमने पीछे तक पेज नंबर 21 तक कर लिया था। ये एक नई एक्सरसाइज है, ये पुराने जो क्वेश्चंस किए हैं उनकी बुनियाद पर ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्टिविटी दी हुई है। तो ये एक्टिविटी कैसे करनी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आपको बताता जाता हूँ। तो हमारे पास पहली फिल इन द ब्लैंक्स है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इफ इट हैज द 5 एट द यूनिट प्लेस। जो यूनिट प्लेस होता है ना 5, वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ क्या होता है। इसका मतलब होता है आपने वो पीछे क्वेश्चन किए होंगे कि यूनिट होता है, फिर टेंथ होता है, फिर हंड्रेड होता है, ठीक है। तो सारों से पहले अगर यूनिट प्लेस दी हो तो उसका मतलब पता है, अगर ये वैल्यू हमारे पास 195 दी हुई है ना, तो जो आखिर वाली वैल्यू स्टार्ट वाली होती है ना, राइट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, वो तो हमारी क्या वैल्यू होती है, यूनिट, फिर टेंथ। उन्होंने यही पूछा हुआ है, अगर नंबर, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल, ये देखें, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई डैश इफ इट, अगर उसके एंड पे 5 यूनिट प्लेस आ रहा हो, जैसे इधर यूनिट प्लेस 5 एंड पे आ रहा है, तो वो किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। अब जाहिर सी बात है 5 है तो 5 ही अपनी टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो ये फिर 195 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज अ 5 एट द यूनिट प्लेस। क्या आंसर आएगा पहले का, 5, ये लिख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक सेम है, मैं बता रहा हूँ क्या आंसर है उसका, 5। एक आंसर क्या है, 5, ये मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाइएगा बेशक, ठीक है। उसके बाद बी है हमारे पास, बी देखिएगा, 156 इज डिविजिबल बाय डैश, 3 वैल्यूज हैं, 156 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है, ठीक है। हम इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले देखिएगा किस किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 156 है आखिरी प्लेस, क्या हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका मतलब है लाजमी वो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिवीजन करने की कोशिश करेंगे, 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, तो वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है कि नहीं, हम देखेंगे। 156 है, अब 156 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 3 5 और 6 कितना है, 3 2 3, तो ये 3 के भी टेबल पे डिवाइड होता है, एक 2 हो गया, एक हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद हम इसके बाद किस पे टेबल पे डायरेक्टली जाएंगे, 4 के टेबल पे, 156 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं वो डिवाइड होता है कि नहीं, 4 1 4 कितने दार होता है, 4 3 12 और फिर 3 इधर बच गया, 36, तो 4 9 39, तो ये हमारे पास 4 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है। आगे भी वैल्यूज पे डिवीजन हो सकता है, लेकिन हमें उन्होंने कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज पूछी हुई हैं, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2 3 4, 2 3 4, ये हमारे पास आंसर है, 3 वैल्यूज होगी हमारे पास। अब हमारे पास तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, इफ अ नंबर हैज 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज डिविजिबल बाय, 3 वैल्यूज ऐसी बतानी है, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस 0 हो एंड पे, तो वो भी इवन नंबर ही है हमारे पास। अब जैसे ये वैल्यू है हमारे पास 10 है, देखिएगा यूनिट प्लेस हमारे पास एंड पे 0 है, तो ये किस किस टेबल पे डिवाइड हो सकती है, ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल पे खुद ब खुद डिवाइड हो सकता है, और 10 के डिवाइड हो सकता है अपने पे, उसके अलावा किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 5 और 10 लिख दीजिएगा, अगर हम 3 मतलब के 10 वैल्यूज़ को ले कर चलें, अगर मुख्तलिफ वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर मुख्तलिफ आएगा, लेकिन हमने इधर 3 वैल्यूज़ को लेना है, तो यूनिट प्लेस अगर 0 है तो ये हम 2 5 और 10 लिख देंगे, तीसरे में आंसर हमारे पास ये है, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है, डी इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल 3, अगर 2 सम दिए हैं, 2 वैल्यूज़ दिए हैं, जैसे 3 + 3 6 दिया हुआ, वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, जैसे 6 / 3 हमारे पास 2 है, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय, जो नंबर हमारे पास है वो किस पे डिविजिबल हो सकता है, खुद ब खुद। अगर हमारे पास वैल्यू, हमारे पास 3 + 3 हमारे पास कितनी वैल्यू है, 6 दी हुई है, तो वो हमारे पास जो नंबर हमारे पास आंसर है वो इटसेल्फ डिविजिबल, खुद ब खुद किस पे डिविजिबल हो सकता है, 6 पे ही हो सकता है, तो हम इटसेल्फ लिखेंगे, इफ द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 6 इज नंबर, या 6 लिखेंगे या 3 लिख देंगे, 3 पे भी हो सकता है और 6 पे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय,
हर इवन नंबर किस पे डिवीजन स्टार्ट होती है, इवन नंबर स्टार्टिंग टू से होता है, तो ऑल इवन नंबर हमारे पास स्टार्टिंग होती है टू से, ये हमारे पास ऑल इवन नंबर आर स्टार्टिंग बाय टू, ठीक है। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं वैसे ही हमने कैलकुलेशन करनी है, ये वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है। ये कैसे पहला क्वेश्चन होगा, 2589 है, तो इसको करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है, हमने बताना है कि ये 2589 3 के टेबल पे डिवाइड होता है कि नहीं। इसके लिए आपने सारों से पहले एंड वाला यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है, उससे पहले वाले। अगर डिवीजन होती है तो डिवीजन करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली कटिंग करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये देखिएगा 20 कितने हजार, उसके बाद 6 5, फिर 0 और फिर 2000, फिर 2 बच गया, तो ये डिविजिबल नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इसी तरह बाकी भी ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स देख लेनी है, फिर आगे गिवन ऑप्शंस में यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स करवाई हैं वैसे ही तकरीबन सारे क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लेना है, और अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।